वेलकम यू टू नागेश करसगे और किड स्कूल चैनल। मायसेल्फ स्नेहा देवदारे, योर ग्रेड वन मैथ्स टीचर। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विथ आवर मैथ्स पीरियड। इन द लास्ट पीरियड, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वी हैव लर्न? यस, विच चैप्टर वी हैव स्टार्टेड? गुड, वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर, दैट इज टाइम। व्हाट न्यू चैप्टर? दैट इज time, okay? And in the last period we have seen the warm up, okay, and the things which we do on the time, how we do all our things, all our routine whole day, how we follow the time, these things we have seen in the last period, okay? And in the last period I have shown you the clock also. So today in this period we are going to learn more about clock, how we can read the clock, okay? Now take out your saffron textbook, come on, do it fast. Take out your saffron textbook everyone, page number 100. Take out your saffron textbook, page number 100. Got it everyone? Got it? Okay, now students see in the textbook mein dekho sab log. So clock, what is the spelling? C-L-O-C-K, clock. Okay, a clock is used to find the time of the day. Why we use the clock? To find out the time of the डे। हम क्लॉक क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें दिन का टाइम, वक्त पता चले, ओके? सो सी एल ओ सी के क्लॉक। वाई वी यूज क्लॉक? यस, इट इज यूज टू टेल द टाइम ऑफ द डे। दिन भर का वक्त बताने के लिए हम क्लॉक यूज करते हैं। नाउ हाउ इज अ क्लॉक? इट हैज अ फेस। अ क्लॉक हैज अ फेस। वी एवरीबडी हैव फेस? हम लोगों को भी फेस है ना? यस, वैसे ही क्लॉक को फेस होता है। एंड टू हैंड्स। हाउ मेनी हैंड्स अ क्लॉक हैज? टू हैंड्स। इवन वी हैव टू हैंड्स, ओके? द फेस ऑफ द क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज द डायल। फाइन, द फेस ऑफ द क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज डायल। नंबर्स 1 to 12 आर रिटन ऑन इट्स फेस। उसके फेस पे क्या लिखा हुआ होता है? नंबर्स, कहाँ से? 1 से लेके 12 तक। दीज नंबर्स इंडिकेट आवर्स एंड मिनट्स। ये नंबर्स क्या बताते हैं? आवर्स और मिनट्स बताते हैं, ओके? नाउ आई विल ड्रॉ योर वन क्लॉक। ओके, सो अ क्लॉक कैन बी इन एनी शेप, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनी शेप। आई हैव ड्रॉन योर सर्कल शेप, ओके? सो हाउ द क्लॉक लुक्स? लाइक दिस। इट हैज नंबर्स। व्हाट इट हैज? नंबर्स, ओके? लाइक दिस नंबर्स आर देयर ऑन द क्लॉक। दिस इज कॉल्ड फेस। ये जो पूरा ये कर्व दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं फेस ऑफ द क्लॉक। एंड इट हैज टू हैंड्स। हाउ मेनी हैंड्स आर देयर? टू हैंड्स, ओके? वन इज बिगर हैंड एंड वन इज स्मॉल हैंड, ओके? वन इज बिगर, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट हैंड होता है। ऐसे कितने हैंड्स होते हैं क्लॉक में? टू हैंड्स। हाउ मेनी? टू हैंड्स, ओके? एंड देर इज वन मोर हैंड चिल्ड्रन। इफ यू सी माइन्यूटली, देर इज वन मोर हैंड, और एक हाथ होता है, वो बहुत ऐसे थिन होता है। कैसे होता है? थिन होता है, ओके? इट इज वेरी थिन। फाइन, बट दिस वी डोंट यूज। मीन्स दिस हैंड इज टू टेल सेकेंड्स, ओके?
long hand is used to tell the this one minute. ये जो बड़ा हाथ होता है ना वो किसके लिए यूज करते हैं, क्या बताता है वो? मिनट्स बताता है. ओके ये जो छोटा वाला हाथ होता है, वो क्या बताता है? आवर्स. व्हाट इट टेल्स? आवर्स. ओके एंड दिस थिन वेरी थिन हैंड इट शोज सेकेंड्स. व्हाट इट शोज? सेकेंड्स. बट हियर वी कंसिडर ओनली टू हैंड्स. ओके इन आवर टेक्स्ट बुक दे कंसिडर ओनली टू हैंड्स. सो दैट थर्ड हैंड वॉज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. सो दिस अवॉइड इट. वी विल पे मोर अटेंशन ऑन दिस टू हैंड्स. Fine. So here you can see this all the numbers. It starts from 1 till 8, 12. Okay. These numbers indicate hours and minutes. ये जो numbers होते हैं ना वो hours भी बताते हैं और minutes भी बताते हैं. Minutes कौन बताता है? Long hand. Okay. Hours कौन बताता है? Short hand. Okay, this is the clock. Fine, this is the clock. This is face. Okay, ये जो curve दिख रहा है ना ये face होता है उसका. And these are the two hands. This is long one, minute hand. Short one is called hour hand. Understood? You remember this much? हाँ. नाउ हियर ऑन द नेक्स्ट पेज दे हैव शोन. सी द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड. ये जो शॉर्ट हैंड होता है ना इसे हम क्या बोल सकते हैं? आर हैंड भी बोल सकते हैं. व्हाई? यस, व्हाई वी कैन कॉल आर हैंड? यस, बिकॉज इट शोज आर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर हैंड. H O U R, R H A N D, hand, R hand. Okay, and the long hand is called the minute hand. Can you see this long hand? Yes, this is also called minute hand. Minute hand इसे क्यों बोलते हैं? Yes, क्योंकि ये minutes हमें बताता है. Okay, so understood about this two? समझ में आया? गॉट इट? लॉन्ग हैंड ये इससे थोड़ा सा ऐसा लंबा है इसीलिए ये लॉन्ग हैंड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनट हैंड. एंड दिस इज शॉर्ट हैंड एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर हैंड. ओके हियर ऑन द क्लॉक ऑल्सो यू कैन सी. फाइन, सी दिस इज फेस. ये फेस, दीज आर द नंबर्स. Okay, and this is minute hand and this is short hand. Okay, long hand, short hand, or else minute hand, hour hand. Okay, and this face is also called dial. Fine. Okay, when the minute hand points exactly at 12 and the hour hand point towards any of the number, it means that the clock is showing an exact hour and no minutes. See, when the long hand is on 12, okay students, pay attention. When the minute hand is on 12 and the hour hand, it can be on any number. Okay, it can be on any number. Now here you can see on 3, it can be on any number, 4, 5, 6, any number. So what is the time? What it shows? Yes, it shows exact hour. What it shows? Exact hour time, and there is no minutes. Jab long hand 12 पे होता है और शॉर्ट हैंड कौन से भी नंबर पे हो, ओके कौन से भी नंबर पे हो, तो टाइम क्या होगा?
उतने ही आवर्स होंगे, यानी यहाँ पे थ्री पे है तो थ्री मीन्स थ्री ओ क्लॉक वी कैन से, व्हाट वी कैन से, थ्री आर क्लॉक, गॉट इट, थ्री आर क्लॉक. इफ सपोज दिस शॉर्ट हैंड इज ऑन फोर, सो व्हाट इज द टाइम, एग्जैक्ट फोर ओ क्लॉक, व्हाट वी कैन से, एग्जैक्ट फोर आर क्लॉक. ओके, बट व्हेन वी कैन से दिस, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, जब लॉन्ग हैंड या फिर मिनट हैंड 12 पे होता है, तभी क्या होता है, एग्जैक्टली उतने ही बचते हैं, यानी उतने ही आर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी कॉल दिस आर क्लॉक. आर क्लॉक मीन्स ऑफ द क्लॉक. ओके, वी कॉल दिस एज आर क्लॉक. व्हाई वी कॉल, बिकॉज इट इज ऑफ द क्लॉक. गॉट इट. इन द क्लॉक शोन हियर द आर हैंड पॉइंट्स एग्जैक्टली एट 3 एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स 12. सो इट इज द टाइम इज 3 ओ क्लॉक. Okay, in this clock the minute hand is at 12 and the hour hand is at 3. So what we can say, 3 hour clock. ये याद रखो बच्चों कि minute hand 12 पे ही होना चाहिए. Okay, hour hand, ये जो छोटा हाथ होता है वो कौन से भी number पे हो, लेकिन minute hand जब 12 पे होता है तभी ही उतने हम आज में बता सकते हैं और मिनट्स नहीं बताते. ओके, अंडरस्टूड दिस वन, फाइन. नाउ हियर वाज 4 ओ क्लॉक. ओके, लाइक दिस, इफ आई विल ड्रॉ हियर टुवर्ड्स द 7, देन व्हाट इट इज, सी मिनट हैंड इज एट 12 एंड शॉर्ट हैंड आर हैंड इज एट 7, सो व्हाट इज द टाइम, yes, 7 o'clock. What is the time? 7 o'clock. How you will write? In two types you can write. 7, 0. Okay? This is hour and this is minutes. यहाँ पे हम hours लिखते हैं, यानी घंटे लिखते हैं, और यहाँ पे minutes लिखते हैं. Dots के बाद minutes लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई minutes है क्या? नहीं है, इसलिए 0. ओके, और एल्स यू कैन राइट 7 आर 7 ओ क्लॉक. ओके, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट, इन बोथ द वे यू कैन राइट, फाइन. नाउ सपोज आई विल टेक दिस शॉर्ट हैंड टूवर्ड्स 10, नाउ व्हाट विल बी द टाइमिंग, सी द क्लॉक, minute hand is at 12, okay, and the hour hand is at 10, so what is the time, good, 10 o'clock. So in this way you can write. Got it everyone? In this blue section what they have written, see, did you know there are 24 hours in a day. Okay, how many hours are there in a day? 24 hours. Din bhar mein kitne ghante hote hain? 24 ghante hote hain. 24 ghante hote hain din bhar mein. Okay, there is one video I will show you. Let us learn more about the clock. A clock is used to find the time of the day. A clock has a face and two hands. Numbers 1 to 12 are written on its face. The face of the clock is also known as dial. The short hand is called the hour hand and the long hand is called the minute hand. When the minute hand points exactly to 12 and the hour hand points towards any one of the numbers,
figures, it means that the clock is showing an exact hour and no minutes. We call this o'clock. O'clock means of the clock. In the clock shown here, the hour hand points exactly at 3 and the minute hand points towards 12. The time of the clock is 3 o'clock. We can also write it as 3:00. One more time. Let us learn more about the clock. A clock is used to find the time of the day. A clock has a face and two hands. Numbers 1 to 12 are written on its face. The face of the clock is also known as dial. The short hand is called the hour hand and the long hand is called the minute hand. When the minute hand points exactly to 12 and the hour hand points towards any one of the numbers, it means that the clock is showing an exact hour and no minutes. We call this o'clock. O'clock means of the clock. In the clock shown here, the hour hand points exactly at 3 and the minute hand points towards 12. The time of the clock is 3 o'clock. We can also write it as 3:00. Got it, everyone, students? So how we can tell the time? Fine. See, one more time I will draw here. This is the face. Okay, this is the face, these are the numbers and these are the two hands, long and short. Okay, or else minute hand or hour hand. Okay, the time starts from, or the number starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to 12. ओके जैसे कि मैंने अभी बताया मिनट हैंड जब 12 पे हो और शॉर्ट हैंड या फिर आर हैंड कौन से भी नंबर पे हो वेदर इट इज़ 1, 2, 3 तो वो एग्जैक्टली क्या बताता है उतने आर्स बताता है क्या बताता है उतने आर्स बताता है ओके गॉट इट स्टूडेंट्स सपोज See, suppose the minute hand is on 1, okay, and the short hand is towards the 3. Is it 3 o'clock, students? देखो ठीक से, long hand कहाँ पे है? 1 पे, और short hand कहाँ पे है? 3 पे, तो ये 3 o'clock हो गया क्या? Exactly 3 o'clock ho gaya kya? Nahi, this is not 3 o'clock. Why? Because the minute hand is on 1. Yes, exactly 3 o'clock kab bolte hai? Jab minute hand 12 pe hota hai. Okay, jaise jaise ye minute hand aage jayega na, tab utne minutes badhenge. Kya badhenge? Minutes बढ़ेंगे अभी ये मिनट हैंड कहाँ पे है 12 पे तो एग्जैक्टली 3 o'clock जैसे ये मिनट हैंड बढ़ेगा 1 पे 2 पे 3 पे आएगा तो मिनट्स बढ़ेंगे ओके गॉट इट एवरीवन आई विल शो यू दैट ऑन दिस वन क्लॉक फाइन सो दिस इज 3 o'clock लाइक दैट यू कैन शो फॉर 4, 5 and 6 ऑल्सो students they
From 12 to 1, can you see a gap? Okay, can you see a gap? Yes, it has some lines. What it has? It has some lines. What it indicates? Yes, what it indicates? Yes, from 12 to 1, it is of 5 minutes. How many? 5 minutes. 12 se leke 1 tak, ye kitne minutes hote hai? 5 minutes hote hai. Fir aur 1 to 2, this is also of 5 minutes. Okay, then again, this is also again 5 minutes. Then from 12 to 3, total how minutes? 5, 10, 15 minutes. Okay, then again 3 to 4, more 5 minutes, 20 minutes. Then again 4 to 5, 25 minutes. Okay, and these comes to 3 o'clock, and how many minutes it has passed? 20 minutes. Yes, 20 minutes. क्योंकि 12 से ये long hand कितने pass करते हुए आ है? 4, 1, 2, 3 and 4. So it is like 20 minutes. Okay, then again it will go forward. It will come to 7 and this R hand will come between 3 and 4. Okay, so what is the time? Yes, this is 3:35. Dekho, count karo. Yahan se leke yahan tak 20 aa gaya. Yahan se yahan leke 25. Okay, and from here to L it will come 30. Then from here to 6 to 7 it will come 35. 5 plus 5, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 5, 20. 20 plus 5, 25. 25 plus 5, 30. 30 plus 5 is 35. So what is the time? 3. How many minutes? 35. Okay. Then again it will go to 10. Suppose it will go to 10. Okay, then how many minutes? Till 7 it was 35. Then from till 8 it becomes 40. And then from 8 to 9 more 5 minutes. 45. From 9 to 10, 50. So 3 o'clock, 50 minutes. Got? And then this hour hand, minute hand makes a round, came till 10 and went on 12. What is the time, students? See, this is exactly at 12 and the hour hand will come to the next number. 3 finish, 3 ka ek pura round ho gaya, hai na? Ye pura round karke minute hand kaha pe aa gaya hai? 12 पे, तो अभी शॉर्ट हैंड कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट नंबर. व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर? 4 o'clock. Got it everyone? This is called this reading in minutes. It is not there for you, but then too for your knowledge I have explained. Okay students, you just remember whenever the minute hand is 12 on 12. And the R hand on any number, it shows that many hours. ये आप ध्यान में रखो, ये बाकी का सब मैंने minutes सिर्फ आपके knowledge के लिए बताया है. Okay? And this 12 to 1, how many minutes? 5 minutes. And how many hours? अभी हमने 3 से start किया था, तो 4 तक आने के लिए कितने घंटे लगते हैं? Yes? कितने मिनट्स लगते हैं? 60 मिनट्स लगते हैं. तो ये 3 से लेके 4 तक कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा, है ना? तो 12 से लेके 1 तक 1 घंटा, 1 से लेके 2 तक 1 घंटा, 2 से लेके 3
3 घंटे, ऐसे करते करते पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, 24 आवर्स आर देयर इन वन डे. ओके, एंड आवर डे स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन? यस, कब से डे स्टार्ट होता है? जब आप उठते हो तब से? नहीं, नो, द डे स्टार्ट्स फॉर यू फ्रॉम व्हेन यू गेट अप, बट द डे स्टार्ट्स जब रात के 12 बजते हैं ना, तो रात के 12 बजने के बाद नया दिन चालू होता है. Got it everyone? Fine. Now we will see the practice time. Okay? See, this is the clock. Okay? This is the clock. Wait, I will remove this. Yeah. This is the clock. Face and numbers. The numbers they have written in Roman numbers. But you can understand. 1, 2, 3, 4. 5 till 12. Now the minute hand, see this is long hand and this is short hand, that is minute hand and hour hand. Now where is minute hand? Good, on 12. Where is hour hand? It is on where? 9. So what is the time? 9 o'clock. Okay, now suppose this our hand I will take here. What is the time? Minute hand kahan pe hai? 12 pe. Aur our hand kahan pe hai? 11 pe. To kya ho gaya timing? 11 o'clock. What? 11 o'clock. Okay, now this minute hand is on 12 and the our hand is on this number. So what is the time? 5 o'clock. Very good. Okay. अगर ये यहाँ से मिनट हैंड अगर 12 पे नहीं है, यहाँ पे 1 पे है, तो ये 5 o'clock हो गया क्या? नहीं. 5 o'clock कब होता है या फिर 3 o'clock? एग्जैक्टली वही नंबर कब होता है? जब 12 पे हो तभी. ओके, सो स्टूडेंट्स, टूडे इन आवर दिस पीरियड वी हैव लर्न्ड अबाउट द क्लॉक, face, hands, and the face is also called dial, how to read the clock, these things we have learnt in this period. Okay, remaining part we will see in the next period. Thank you everyone, bye.